लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में भी सियासी पारा गर्म है। आए दिन नेता अपना नफा नुकसान देखकर पार्टी बदल रहे हैं। आरएलपी के अध्यक्ष बेनीवाल ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया तो गुर्जरों के मसीहा कहे जाने वाले किरोड़ी सिंह बैसला को भी मोदी की नीतियां इतनी अच्छी लगने लगी कि उन्होंने तो दूसरी बार बीजेपी की सदस्यता ही ग्रहण कर ली। राजस्थान में जाट और गुर्जर समुदाय के दोनों बड़े नेता अब बीजेपी के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल को लेकर एक बयान दिया है। गहलोत ने कहा कि उन्होंने बेनीवाल को पहले भी काफी समझाया था कि सियासत में कोई किसी का निजी दुश्मन नहीं होता। हाँ, विचारों में मतभेद जरूर हो सकता है। बकौल गहलोत, उन्होंने बेनीवाल को अपने साथ जुड़ने का न्योता देते हुए मंत्री पद देने की भी पेशकश की थी, लेकिन बेनीवाल इसके लिए तैयार नहीं हुए। आप कामयाब करें, मेरे पास हनुमान बेनीवाल जी से मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको कहा कि राजनीति में दुश्मनी नहीं होती है, नागौर का अपना एक अलग और रहा है देश की राजनीति के अंदर, आपकी और ज्योति मिर्जा जी के संबंध अच्छे बनने चाहिए, पुरानी बातें भूलो, नए चैप्टर शुरू करो, केवल ये सब बातें बंद करो और एक नया चैप्टर शुरू करो। बीजेपी बर्बाद कर रही देश को, लोकतंत्र खतरे में, सब बातें जो मैंने कही आपको उनको समझे मैंने, आप जानते हो हनुमान बेनीवाल है, वो समझ सकता है। आखिर में अगर समझ आते तो उनका भविष्य उज्जवल बनता। उनके जो युवाओं को उन्होंने साथ लेकर राजनीति शुरू करी, उनका उनको प्रतिफल मिलता आने वाले वक्त के अंदर। वो हमारी सरकार में भी आ सकते थे, मंत्री बन सकते थे, परंतु जिस प्रकार उनकी नेचर है उसमें आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति को हमने बहुत समझाने की कोशिश की, अच्छे नेता के रूप में क्या हुआ, तो ज्योति मिर्जा की आपके संबंध ठीक कर दो हमें खुशी होगी, तीन बार मैंने वो कहा। पर सीएम गहलोत के बयान के बाद अब बेनीवाल भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है। वो चाहते तो मंत्री पद लेकर कांग्रेस से गठबंधन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज के हित को देखते हुए ऐसा करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वो बीजेपी और मोदी जी की नीतियों से काफी प्रभावित थे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कैबिनेट मिनिस्टर का प्रस्ताव उनकी तरफ से आया था, दिल्ली से भी बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी टेलीफोन से बात की, गोपाल जी ने भी करी। मैंने कहा अब गठबंधन टूटेगा, मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हनुमान बेनीवाल मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, जिद्दी हूँ, जिद करता हूँ, पूरी करता हूँ। राजनीति के अंदर हो सकता है कई बार उतार चढ़ाव में जाकर बहुत विकट परिस्थितियों के अंदर लड़ा। नागौर की सीट इसलिए मांगी कि नागौर का मैं नेता हूँ, नागौर का विधायक हूँ, मेरे दो आरएलपी के यहाँ से जीते हैं, 2.25 लाख वोट आरएलपी नागौर के अंदर लिए, तो नागौर की सीट भी आप मेरे खाते में दो और उसके बाद आप अन्य सीटें हमारे को अगर देते हो तो बात साल से कम ज़्यादा में भी हो सकता है, बैठ जाती। मिनिस्ट्री का ऑफर मैंने ठुकराया। इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने सभी 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 24 सीटों पर ही प्रत्याशी खड़े किए हैं। नागौर की सीट इस बार बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल के लिए छोड़ दी है। यहां कांग्रेस की ज्योति मिर्घा से ही अब बेनीवाल की सीधी टक्कर होनी है। बेनीवाल को लेकर अब सीएम गहलोत भी संजीदा है। उन्हें लगता है कि अगर बेनीवाल साथ होते तो शायद सियासी समीकरण कुछ और ही होता। लेकिन गहलोत के इस ताज़ा बयान के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जयपुर से शरद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।